मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आदेश पर प्रदेश भर में भूमाफिया और बदमाशों के अवैध निर्माण को जमींदोज किया जा रहा है। इसी कड़ी में पिछले लंबे समय से कुंभकर्णी नींद सो रहे डिंडोरी नगर परिषद के अमला भी अब जाग गया है, जिसके चलते सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड 3 में शासकीय भूमि पर शासकीय कर्मचारी द्वारा भवन निर्माण किया जा रहा था। वहीं वार्ड 4 में कृषि उपज मंडी के लिए आने जाने वाले मार्ग पर अवैध कब्जाधारियों द्वारा सड़क पर ही सीढ़ी निर्माण कर आवागमन को बाधित किया जा रहा था, जिस पर नागरिकों की शिकायत पर नगर परिषद द्वारा कार्रवाई करते हुए अवैध कब्जे से भूमि मुक्त कराई गई है। वहीं नगर परिषद के राजस्व निरीक्षक का कहना है कि सभी अवैध कब्जाधारियों को नोटिस जारी कर अवैध कब्जे हटाने के लिए निर्देशित किया गया है। नोटिस के बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज वार्ड नंबर 3 से शुरू हुआ था। वार्ड नंबर 3 में करीब 3 माह पहले किसी सचिव पंचायत सचिव के द्वारा निर्माण किया गया था शासकीय भूमि पर, उसको नोटिस जारी किया गया था, पर उसने जो है निर्माण बंद नहीं किया, जीवन पर कार्य चालू रखा, इसलिए उसके बाद हटवाया गया है। वार्ड नंबर 4 में जैसा आप देख रहे हैं कि कृषि उपज मंडी के पास यहाँ पर यादव रमेश यादव करके व्यक्ति हैं, उनने सीढ़ी निर्माण कर लिया, इस कारण से आना जाना जैसा आपको मिल गया था, उसका बहाल कराया गया। ये कार्रवाई निरंतर जारी है, कार्रवाई अब निरंतर जारी है, जहाँ आवागमन अवरुद्ध है वहाँ भी कार्रवाई की जा रही है। डिंडोरी से टीकाराम मरावी की रिपोर्ट।